तो हाय सुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में। एंड हम देख रहे हैं आज का ये मीट एंड ग्रीट में आप पूरी जी जान लगाकर खड़े हैं नेजी को सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले तो क्या लगता है, ट्रॉफी कुर्ला ही जाने वाली है? ट्रॉफी तो ऐसा लग रहा है हाँ कुर्ला ही आने वाली है, बल्कि मुंबई आने वाली है ट्रॉफी। अभी जो गेम हो गया मुंबई आ रही है ट्रॉफी, सिर्फ कुर्ला के लिए नहीं पूरी मुंबई के लिए ट्रॉफी आ रही है। सो आज के इस मीट एंड ग्रीट में किसका किसका सपोर्ट भरपूर मिल रहा है? इसमें देखो उसके स्कूल के दोस्त, उसके कॉलेज के दोस्त, उसका जो हिप हॉप वाला सर्कल है वो, और हमारे मोहल्ले के लोग, सबका बड़ा अपना सब मेहनत कर रहे हैं, सबका योगदान है। नेजी के गेम के बारे में क्या कहेंगे, कितना अच्छा खेल पा रहे हैं नेजी, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उनके दोस्त हैं तो आपसे बेटर और कोई नहीं जानता। मैं तो देखो जितना मैं उसको जानता हूँ ना, तो मतलब वो बिग बॉस में तो बिल्कुल अलग ही देखने मिला, एकदम रियल। मतलब उसने कोई गेम ही नहीं खेला, गेम नहीं खेला इसके लिए वो टॉप 5 में भी आ गया, तो उसने तो रियल खेला, कोई गेम थोड़ी खेला उसने। जैसा तो जैसा वो आम जिंदगी में है वैसा वो, और बल्कि इतना कि उसने सबर से वो गेम खेला। जैसा अगर वो रियल लाइफ में पहले था, अगर वो वैसा होता तो शायद वो घर वाले कब का बाहर होते। जैसे एग्जाम्पल देना चाहेंगे? एग्जाम्पल क्या देना है, वो तो आप देख ही चुके हो शायद, थोड़ा हाइपर थोड़ा सा हुआ था, मतलब वो 2% भी नहीं था, वो जो हाइपर हुआ था वो 2% भी नहीं था। वो जब हाइपर होता है ना तो कंट्रोल में भी नहीं आता, तो वो तो बेचारे ने बहुत सबर से वो अपनी जर्नी को पूरा किया। सना के साथ एक अच्छा इक्वेशन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उस इक्वेशन को लोग कहीं ना कहीं उनके फीलिंग्स का नाम दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है, या फिर नेजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं बाहर जाके सना से बात करूंगा, उस चीज़ को लोग ले रहे हैं कि शायद नेजी कहीं ना कहीं सना के साथ में अपने दिल का इजहार करेंगे या मन की फीलिंग्स बताएंगे। एज अ फ्रेंड आपको क्या लगता है? एज अ फ्रेंड देखो वो तो लोग की क्लोज फ्रेंडशिप है, वो मतलब ऐसा है कि वो एकदम ओपन माइंडेड लड़का है। वो ऐसा दोस्ती में जेंडर किसी लड़की से दोस्ती कर रहे हैं तो मतलब ये नहीं है, उसको भी क्लोज रखेगा, मतलब वो एकदम क्लोज फ्रेंडशिप रखता है अगर किसी को भमाए बोलता है तो उसने स्टार्ट में ही सबसे पहले उसको भमाए बोला था, तो उनकी क्लोज फ्रेंडशिप है। अभी लोग पता नहीं क्या क्या एंगल उसका लेके जा रहे, तो उसमें हम लोग अपने तो समझ के बाहर, अब बाहर आने के बाद हो सकता है कुछ उनके प्रोजेक्ट्स होंगे जो नहीं बोलना चाहता होगा सबके सामने, तो बाहर आके डिस्कस करेंगे लोग। लेकिन एज इन कपल देख सकते हैं आप सना और नेजी को, लगता है पैर बन सकता है? पैर बन सकता है मतलब दोस्ती के हिसाब से तो ठीक है, अब पैर बनना नहीं बनना वो तो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है, दोनों की इंडिविजुअल फीलिंग्स पर डिपेंड है। हम थोड़ी डिसाइड कर सकते कि वो पैर बने या ना बने। लेकिन नेजी की पसंद नापसंद को तो आपको पता ही होगा, सना जिस तरीके से सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपने आप अपने ही दुनिया में मगन रहती है और अपने से इतना ज़्यादा प्यार करती है, लगता है नेजी को उस टाइप की लड़की पसंद आई? नहीं ऐसा नहीं है, उसने मतलब उसने शायद एक एपिसोड में डिस्क्राइब भी किया उस बारे में, उसको कैसी लड़की चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट लड़की चाहिए, वो तो उसका मतलब उसकी पसंद उसने एक जाहिर किया, तो वो उसके हिसाब से हो सकता है उसके घर वालों की पसंद से करे, हो सकता है अपनी पसंद से करे, उसके तो मतलब इंडिपेंडेंट लड़का है कुछ भी कर सकता है, तो वो तो उसकी इंडिविजुअल मामला है ना। सो नेजी ने बिग बॉस हाउस के अंदर ही ये भी जाहिर किया था कि जो उनकी स्टोरी बताई गई है FM द्वारा वो सही नहीं है, उनकी दो गर्लफ्रेंड कभी नहीं रही है। आप उनके दोस्त रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनकी? उसने क्लियर सही बोला, उसने जो गली बॉय में बताया गया है बिल्कुल भी मतलब उसकी लाइफ से, मतलब कैरेक्टर वही है और थीम बिल्कुल वही था, लेकिन उसकी लाइफ को कुछ ज़्यादा ही मसाला लगा के पेश कर दिया है मूवी के अंदर, तो उसने वही बोला था ना वो इतना गरीब है, ना उसके डैडी टैक्सी चलाते थे, ना उसकी कोई दो गर्लफ्रेंड है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, तो उनको तो मसाला लगा के ही पैसा कमाना पड़ता है, तो उन्होंने अच्छे से मसाला लगा के पैसा कमाया। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने, जैसे कि आपने कहा कि ना वो इतना गरीब है ना कुछ ऐसा है, मुनव्वर फारूकी जब हाल ही में घर के अंदर गए थे तो रोस्ट में उन्होंने कहा था कि बिग बॉस ने कम खाना इसलिए रखा है ताकि नेजी को घर जैसा फील हो, हालांकि उन्होंने रोस्ट किया था लेकिन शायद नेजी को वो बात बुरी लग गई थी और वो थोड़े अपसेट लगे थे इस बात को लेकर, इस बारे में क्या? नहीं तो उसने, आपने खुद बोला ना उसने रोस्ट किया था, तो दोस्ती में तो एक दूसरे को हम लोग तो इससे भी बुरा बुरा बोलते, तो उसने क्या मतलब उसने बोला कि मेरे, उसने कुछ कुछ लग जाते वर्ड लेकिन दिल पे नहीं लिया, उसने ये भी बोला मैं दिल पे नहीं ले रहा उसको, तो रोस्ट में तो बहुत बुरा बुरा उससे भी बुरा बोला जाता है। हाँ नेजी का मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके का बर्ताव रहा, जो उन्होंने गुस्से में आकर बोला, कितना जस्टिफाई करते हैं आप, लगता है आपको उनका वो बिहेवियर सही? मैंने देखो अगर आप सोशल मीडिया आपका सिर्फ कमेंट्स पढ़ो अगर वो रील पे, तो आपको मेरा आपको आंसर वही मिल जाएगा, उसने बिल्कुल सही किया, एक्शन का रिएक्शन दिया, जैसा सवाल जिस तरीके से उससे सवाल पूछा गया उस तरीके से उसने जवाब दिया,
तो उसका एक्शन का रिएक्शन था, इतने सारे जर्नलिस्ट थे, क्यों मतलब बाकी लोगों से उसने उस तरह से बात क्यों नहीं किया? क्योंकि उन लोगों ने एकदम सलीके से उससे क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया। इसने स्टार्ट ही गलत तरीके से किया था, आप लोग खुद देख लो, आप शायद होंगे अगर बिग बॉस हाउस में तो उसने देखा होगा, स्टार्ट ही उसने गलत तरीके से किया था। अरे आप सो रहे हो, सोते सोते आप यहाँ तक आ गए, मतलब ये जर्नलिज्म को सूट नहीं करता ये सब। तो क्वेश्चन ही गलत था तो उसका आंसर तो उसने बेचारे ने फिर भी बहुत सबर करके उसका आंसर दिया, बाहर होता तो अलग ही बात हो जाती फिर। लेकिन उन्होंने इसे एज अ धमकी लिया है, लगता है कि नेजी इसे शो के बाहर भी पर्सनली दिल पर लेंगे, क्योंकि बाकी अब जब वो घर से बाहर निकलेंगे तभी भी इंटरव्यूज होंगे। तो लगता अभी देखो जिस तरह की ये फाइट हुई ना उससे थोड़ी ज्यादा डेंजर लव कटारे से उसकी फाइट हुई थी, लेकिन दो घंटे के बाद आपने देखे होंगे क्या हुआ, और एट दी एंड तो लोग सब दोनों साथ में थे, तो वो एकदम जेन्युइन बंदा है, दिल में नहीं रखता है। हाँ जो भी है वो उस वक्त मुंह पे बोल देगा लेकिन दिल में रखता है। तो लोकेश अरमान घर से बाहर निकल गए हैं अभी इस वक्त में, जो भी घर के अंदर है, क्या लगता है नेजी को कौन सबसे टफ कॉम्पिटिशन दे सकता है? अभी तो देखो कॉम्पिटिशन के बारे में है, मतलब सभी अब जो टॉप फाइव मतलब वो सबके सब बेस्ट होंगे ना, लेकिन मेरे लिए तो नेजी बेस्ट है और लोगों के लिए भी नेजी ही बेस्ट है। जो सना मकबूल हाँ कॉम्पिटिटर नहीं है, मतलब साथ में खड़ी रह सकती है, मतलब हो सकता है, हाँ लेकिन रणवीर शौर्य भी अच्छा खेले उन्होंने, हो सकता है वो भी हो। अब तो अभी क्या है इतना सोचने का इतने बार टाइम भी नहीं है, हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा जो भाई आ गया है फाइनल में उसको सपोर्ट करना हमारा काम है, कौन जीतना है कौन हार रहा है वो तो उस दिन मालूम ही पड़ जाएगा। ऑलराइट थैंक यू सो मच। नेजी के लिए क्या कहना चाहेंगे थोड़ा दमदार आवाज़ में? दमदार आवाज़ में कि भाई तूने एकदम रियल गेम खेला है और ट्रॉफी बॉम्बे ही लेके आएगा तू, बॉम्बे 70 तो बाद में आएगी, अब जो है ट्रॉफी बम्बई आ रही है पहले, बाद में बॉम्बे 70 आएगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।